अभी सारा पलटी कर लिए एक साइड, उसके बाद थोड़ी देर तक इस तरह पकेगा अभी। तो ये देख सकते हैं एकदम क्या बढ़िया सी फ्राई हो चुकी है एकदम। ये चिकन दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये देखिए दोस्तों, चिकन सीज के एकदम हलवा हो चुका है, अच्छी तरह सीज गया है। और अभी हम खा रहे हैं चिकन पकौड़ा और चिकन बिरयानी। दोस्तों क्या खा रहे हैं, कद्दू की सब्जी, चावल, साग और पकौड़े। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो, स्वागत है फिर से हमारे एक न्यू ब्लॉग्स में। से दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं चिकन पकौड़ा, और वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से। और अभी जो चिकन ला चुके हैं हम दोस्तों, आधा केजी चिकन है, इसको अच्छी तरह से धो लिए हैं पहले। बाद इसमें हम बेसन डालेंगे, बेसन हम डेढ़ चम्मच डाले हैं। बेसन डालने के बाद इसमें हम डेढ़ चम्मच दही डाल रहे हैं। उसके बाद इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च, उसके बाद आधा चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ी सी चिकन मसाला, थोड़ी सी चिली पाउडर, उसके बाद जो इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद इसमें हम सरसों का तेल देंगे एक चम्मच लगभग। तो इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करना सबको, मिक्स कर लें। इसको भी 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ढक के। 10 मिनट हो गया है, देख सकते हैं अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। तो इसके बाद मेरा तेल गर्म हो चुका है, तो इसे भी हम सारा चिकन को एक एक करके डालते हैं अच्छी तरह से। देखो बाबू कहाँ है, बोलो। तो देख सकते हैं गैस स्लो था, उसके बाद इसको हम डाल दिए हैं। अब हम गैस को फास्ट करते हैं। तो गैस मेरा फास्ट हो चुका है, तो चलिए अब एक साइड पलटते हैं, क्योंकि एक साइड हो गया है। तो देख सकते हैं इसको धीरे धीरे करके पलटी करनी है। अभी सारा पलटी कर लिए एक साइड, उसके बाद थोड़ी देर तक इस तरह पकेगा अभी। तो ये देख सकते हैं दूसरा साइड भी अच्छी तरह से पक चुका है और चिकन अच्छी तरह से सीज गया है। इसको भी हम छान के निकाल लेते हैं। और बहुत जल्दी बन गया, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पकौड़े में। तो ये देख सकते हैं अभी इसको सबको छान छान के तेल से बाहर कर रहे हैं अच्छी तरह से। तो ये देख सकते हैं एकदम क्या बढ़िया सी फ्राई हो चुकी है एकदम। तो चलिए पहले खाना बन गया, और मेरे हस्बैंड खाना खा रहे हैं। तो चलिए पूछते हैं उनसे क्या खा रहे हैं। कद्दू की सब्जी, चावल, साग और पकौड़े। तो चलिए खा रहे हैं, मस्त बना है। भी चिकन खा रहे हैं, चिकन सीजा। तो देखो कि क्या बोल रहा है। खाना खाने के लिए बैठ गया, तो चलिए चिकन दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये देखिए दोस्तों, चिकन सीज के एकदम हलवा हो चुका है, अच्छी तरह सीज गया है। और अभी हम खा रहे हैं चिकन पकौड़ा और चिकन बिरयानी दोस्तों, क्योंकि मुझे मेरा बिरयानी रात का ही बचा हुआ था, तो इसलिए हम सिर्फ पकौड़ा बना लिए और चिकन थोड़ी सी ला के चलिए दोस्तों खाते हैं चिकन। चिकन पकौड़ा काफ़ी तो बढ़िया बनी है दोस्तों, तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा बना के। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।